बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर थर्ड। ये क्लास सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो भी इस टॉपिक से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? ग्रुप्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो ब्लड टेबल है इसमें दो तरह की लाइन्स होती हैं। एक होती है वर्टिकल लाइन, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन्स। एक होगी ये ऊपर से नीचे आती हैं, वो कहते हैं वर्टिकल कॉलम से ऊपर से नीचे। वर्टिकल कॉलम इस तरह की जो लाइन है इनको क्या कहते हैं? ग्रुप्स। इनको ग्रुप्स कहा जाता है। और जो इस तरह की रोज है, इस तरह की जो लाइन्स हैं इस तरह की, ये क्या होती है? वो क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रोज। इनको क्या कहते हैं? पीरियड। तो प्रायर टेबल में दो तरह की लाइन्स हैं, वर्टिकल कॉलम है और हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो वर्टिकल कॉलम है इनको कहा जाता है ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है इनको क्या कहा जाता है? पीरियड। जो ग्रुप्स हैं प्रायर टेबल में, देयर आर एट ग्रुप्स इन वर्टिकल, देयर आर एट वर्टिकल कॉलम इन प्रायर टेबल। और पीरियड कितने हैं जी? सेवन पीरियड। ग्रुप्स हैं आठ हैं, और जो पीरियड है वो कितने हैं? सात हैं। तो मॉडर्न प्रायर टेबल में आठ ग्रुप हैं और क्या है? सात पीरियड हैं। अभी जो आठ ग्रुप हैं उनके स्पेशल नाम भी दिए जाते हैं। मसलन इसमें जो आठ ग्रुप हैं इनमें जो ग्रुप्स हैं उनको किस में लिखा जाता है? रोमन में। ग्रुप फर्स्ट है। अच्छा, जो आठ ग्रुप हैं ये स्टूडेंट वो भी आगे से दो तरह के होते हैं। आठ ग्रुप जो है वो ए वाले होते हैं, आठ ही कितने होते हैं? बी वाले होते हैं। जो ए वाले होते हैं, जो ग्रुप ए वाले होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ये प्रायर टेबल के मेन ग्रुप कौन से हैं? जो ए वाले हैं। और बी में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी देखा जाए तो जो आ का जो प्रायर टेबल है उस ग्रुप को आठ है, फिर हर ग्रुप जो आठ ग्रुप है वो भी दो तरह के, ए और बी। फिर उनमें बी वाला जो आठवां ग्रुप है वो भी आगे से कितनी तरह का है? तीन तरह का। देखा जाए तो प्रायर टेबल में कितने ग्रुप बनते हैं? 18 ग्रुप बनते हैं। कितने ग्रुप बनते हैं? 18। तो जाहिर है जो ग्रुप आठ है उनमें से आठ ए वाले, आठ क्या है? बी वाले। जो ए वाले हैं उनको क्या कहते हैं? मेन ग्रुप। यही प्रायर टेबल के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो इन ग्रुप में पाए जाते हैं, लिहाजा हमें ज़्यादा इसी को स्टडी करते हैं। तो जाहिर है ग्रुप को जब आप स्टडी करते हैं तो प्रायर टेबल में जितने भी ग्रुप्स हैं आठ हैं इनको किस में रखा गया? ब्लॉक में रखा गया है। और प्रायर टेबल में ब्लॉक कितने? चार ब्लॉक हैं। एक एस ब्लॉक है, फिर इधर कौन सा ब्लॉक है? बी ब्लॉक है। बीच में कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। और सबसे नीचे कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। देयर आर फोर ब्लॉक इन प्रायर टेबल, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो एस ब्लॉक है इसमें दो ग्रुप हैं, कौन कौन से? ग्रुप फर्स्ट है और ग्रुप सेकेंड है। और जो बी ब्लॉक है इसके अंदर तीन ग्रुप हैं, ग्रुप थर्ड है फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन है और एट है। और जो बी वाले एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पर है? बी वाले, वो डी ब्लॉक में रहते हैं, वो यहाँ पर है। वन बी, टू बी, थ्री बी, फोर बी, फाइव बी, सिक्स बी, ये बी वाले यहाँ पर आते हैं। वन बी से लेकर एट बी तक यहाँ पर है। जब ए वाले कहाँ से शुरू होते हैं? यहाँ से। फर्स्ट है यहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन है, एट है। यानी जो प्रायर टेबल ग्रुप कितने हैं? आठ ए वाले हैं और आठ क्या है? बी वाले। जो ए वाले हैं वो उनमें से दो जो हैं वो इस ब्लॉक में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं, और जो छः हैं वो किस में आते हैं? बी ब्लॉक में। आठ के हो गए, पूरे हो गए। और जो बी वाले हैं वो सारे के सारे किस ब्लॉक में आते हैं? डी ब्लॉक में। और जो डी में कुछ की जो डी ब्लॉक में नहीं आते तो वो किस में एडजस्ट किए जाते हैं? एफ ब्लॉक में। तो यानी जो ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सारे किस में आते हैं? एस और बी ब्लॉक में। और जो बी वाले होते हैं वो किस में आते हैं? डी और एफ ब्लॉक में। जो एस और पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आते हैं वो कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इनका कौन नाम है? क्या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इनको कहते हैं। और जो बी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या नाम दिया जाता है? इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। जो एस ए और पी ब्लॉक में आते हैं, एस और पी ब्लॉक में आते हैं, इन ए वाले एलिमेंट को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और जो बी ब्लॉक में आते हैं उनको क्या कहा जाता है जी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर मैं इसको ड्रा करूँ इस तरीके से, दोबारा मैं ड्रा करूँ आपको समझाने के लिए, तो फिर ड्रा करते लगे, ये हो गया एस ब्लॉक, ये क्या हो गया? पी ब्लॉक। बीच में क्या आ गया? डी ब्लॉक। ये प्रोडक्ट में चार ब्लॉक हो गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और नीचे कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। इसके अंदर कौन से, कौन कौन से ग्रुप है आपकी रिवीन हो जाए? फर्स्ट है यहाँ पर है, सेकंड है यहाँ पर, यानी दो जो ग्रुप है वो किस में? एस ब्लॉक में। थर्ड है से लेकर
ए डे तक जो है वो कहाँ पर है, पी ब्लॉक में। इन ए वाले सारे कुछ दो इसमें और छः इसमें, इन सब को मिलाकर एस पे और पी ब्लॉक वाले को कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। अब बात करें किसकी, इसकी डी ओ, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 1B से लेकर 8B तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, कहाँ से 1B से लेकर 8B तक के एलिमेंट सारे किस में आते हैं, डी ब्लॉक में। और जिनकी यहाँ पर कमी है उनको किस में एडजस्ट किया जाता है, इसमें एडजस्ट किया जाता है। तो अभी ये जो आपके पास ग्रुप कितने होंगे, 8A वाले होंगे, 8B वाले, मेन ग्रुप कौन से वाले, ये वाले दो, ये और छः, इन ये जो 8 ग्रुप हैं इनको कहते हैं मेन ग्रुप। और इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। और इसका दूसरा नाम है, आपको बताया दूसरा नाम क्या है, ऐसे जो इनको दूसरा नाम मेन ग्रुप एलिमेंट, दूसरा नाम क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। आप जो फर्स्ट है ग्रुप है इसमें कौन कौन शामिल एलिमेंट्स, वो एलिमेंट, अच्छा ग्रुप एलिमेंट्स को किस ग्रुप में रखा जाता है वो डिपेंड करता है उसके वैलेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ ग्रुप किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है उनको रखा जाता है फर्स्ट ए ग्रुप में। वो एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रखा जाता है सेकंड ए ग्रुप में। वो एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं थर्ड में आते हैं। इसी तरह जिनके वैलेंस शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं किस में आते हैं, एट में। कोई एलिमेंट किस ग्रुप में डिपेंड करता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अभी जो जिन एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है किस में रखा जाता है, फर्स्ट ग्रुप में। यहाँ कौन कौन से एलिमेंट शामिल है, हाइड्रोजन इसकी वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम है, पोटाशियम है, सब वैलेंशन में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और ये फर्स्ट ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप में वो एलिमेंट है जिनकी वैलेंशन में दो इलेक्ट्रॉन है, मसलन इसमें आपके पास है ब्रीडियम है, ब्रीडियम में आपके पास मैग्नेशियम है, कैल्शियम है, इस सब के वैलेंशन में दो दो इलेक्ट्रॉन है, आपने इसको किस में रखा गया, सेकंड ग्रुप में। इस तरह थर्ड ग्रुप में वो एलिमेंट रखा गया जिनके वैलेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीन। जिस तरह बोरान है, एल्युमिनियम है, इनके वैलेंशन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन। इस तरह फोर्थ ग्रुप में वो एलिमेंट है जिनकी वैलेंशन में चार इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि क्या कार्बन। इस तरह पांचवें में वो एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंशन में पांच इलेक्ट्रॉन है, जैसे फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, इनकी वैलेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, पांच पांच। छठे में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनकी वैलेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छः छः, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, इनकी वैलेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, छः छः। सातवें और आठवें में वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके वैलेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सात सात। इसमें फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, इस सबके वैलेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सात सात। और आठवें ग्रुप में वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आठ आठ। इनमें कौन शामिल है, हीलियम शामिल है, नियॉन शामिल है, एर्गॉन शामिल है, इस सबके वैलेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आठ आठ। तो ये स्टूडेंट जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप कितने होंगे, मेन जो ग्रुप है कितने हैं, आठ। सर इनको तो हम काउंट नहीं करते, ये ट्रांजिशन एलिमेंट मेन जो ग्रुप है कितने, आठ। फिर आठ में से भी जो चार ग्रुप है उनके स्पेशल नाम है। जो फर्स्ट ग्रुप है इसके एलिमेंट का स्पेशल नाम है, उनका नाम क्या है, अल्किल मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप का स्पेशल नाम क्या है, अल्किली मेटल्स, क्योंकि ये जितने भी ये पानी में आलोक क्या में आते हैं, बेस में आते हैं, बेस को क्या कहते हैं, अल्किली। इसलिए जो सेकंड ग्रुप है इसका स्पेशल नाम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये भी इसलिए कि पानी में आलोक ये बेस बनाते हैं, अर्थ इसलिए कहते हैं कि अर्थ में ये वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। सातवें में वो एलिमेंट्स हैं जिनको सातवें का स्पेशल नाम क्या है, हेलोजेंस। हेलोजन वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, जो मेटल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, साल बनाते हैं, उन एलिमेंट को क्या कहते हैं, हेलोजेंस। और आठवें में वो एलिमेंट्स हैं जिनको क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। यानी पहले दो का और आखिरी दो का स्पेशल नाम ये, पहले का स्पेशल नाम क्या है, अल्कली मेटल्स, दूसरे का स्पेशल नाम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी सोडियम पोटाशियम और अल्कली मेटल हो गए, कैल्शियम मैग्नीशियम क्या हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सातवें का स्पेशल नाम क्या है, हेलोजन, क्योंकि ये साल्ट बनाते हैं, जैसे आपका NaCl है। अब NaCl में Cl कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन में साल्ट बनाया है, इसलिए इनको कहते हैं हेलोजन। हेलो का मतलब होता है साल्ट, जिनका मतलब होता है प्रोड्यूसर। और आठवें ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके मेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, आठ आठ इलेक्ट्रॉन। ये किसी से कोई बाड़ नहीं बनाते, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, और ये सारी गैसेज है, इसलिए इनका स्पेशल नाम क्या है, नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज इनको कहा जाता है। ये शॉर्ट सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन प्रायर टेबल के ग्रुप्स के बारे में। ग्रुप आठ है जिनमें से आठ ए वाले, आठ बी वाले, जो बी वाले उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ए वाले उनको कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। फिर आठ में से जो पहला और दूसरा है उनको कहते हैं अल्किल अल्कलाइन मेटल, और सातवें का नाम है हेलोजन, और आठवें का नाम क्या है, उनका नाम है नोबल गैसेस। तो आप सोच रहे होंगे इनका नाम क्या है, तो इनका नाम जो है थर्ड का नाम इस ग्रुप के टॉपर एलिमेंट बोरान के नाम पर है, इसको कहते हैं थर्ड ग्रुप को कहते हैं बोरान फैमिली। चौथे को कहते हैं कार्बन फैमिली, पांचवें को कहते हैं फास्फोरस फैमिली, छठे को क्या कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली।
तो दी स्टूडेंट कोई एलिमेंट किस ग्रुप में डिपेंड किस पर करता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन है, वो आपने आपको पता होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। बस पहले ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सबके अंदर वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में सेम है। दूसरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में सेम है। इस तरह जो सातवां ग्रुप है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में सेम है। एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में क्या है, सेम है। तो सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस इन सिमिलर ग्रुप, तो क्या कहते हैं, इन ईच ग्रुप हर ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैव, एलिमेंट्स अंदर क्या होता है, हर ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। सो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सारे उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर, बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।